खुशखबरियां साझा करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं जो खबर नोएडा से चर्चा में है, जहां नोएडा के स्कूल में बच्ची से डिजिटल रेप किया गया। स्कूल में 3 साल की बच्ची से डिजिटल रेप किया गया। क्लास टीचर समेत 3 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। नोएडा सेक्टर 27 के स्कूल की एक बुरी घटना है। बच्ची के अभिभावकों का प्रदर्शन भी देखा जा रहा है, जहाँ बच्ची के अभिभावक स्कूल पहुंचे। कैम्ब्रिज स्कूल में अभिभावकों का प्रदर्शन, मौके पर ACP प्रथम प्रवीण कुमार मौजूद है। अभिभावकों की स्कूल सील करने की मांग है। नोएडा के स्कूल में भारी हंगामा देखा गया है। नर्सरी के बच्चे के साथ तो आपको बता दें कि कैम्ब्रिज स्कूल में ये पूरी वारदात हुई। उसके बाद अब परिजनों का यही कहना है कि हमें सबसे पहले तो प्रिंसिपल से मिलना है, लेकिन प्रिंसिपल अभिभावकों से बातचीत करने को भी नहीं यहाँ पर तैयार है। 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया गया। मेरी बिटिया पढ़ती है यहाँ पे नर्सरी में। जो इंसिडेंट हुआ है वो नर्सरी के बच्चे के साथ में हुआ है, जो उसके मेंटल हरास किया, उसके साथ हरासमेंट सेक्स हरासमेंट हुआ। हमारा सिंपल डिमांड है कि आपके वहाँ हुआ, आप कन्फ्रंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारे यहाँ ये गलती हुई और इस गलती को सुधारने के लिए हमने ये एक्शन लिए हैं। तो कोई नहीं बात हो रहा है, कोई फोन कॉल नहीं उठ रहे हैं, कोई सामने से आकर के बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल कह रहे हैं कि मैम आप हमारे हेडमिस्ट्रेस जो है आइए, हमसे बात कीजिए, हमें समझा दीजिए। नोएडा के कैम्ब्रिज स्कूल में बीते 5 दिन पहले एक वारदात होती है, जिसमें इस महज 3.5 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप की हैवानियत को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस जो है 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। और अगर हम बात करें उस मासूम बच्ची की अध्यापिका को भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज शनिवार का दिन है और कैम्ब्रिज स्कूल जो नोएडा सेक्टर 27 में स्थित है, सुबह से ही पेरेंट्स यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रिंसिपल से मिलने का। सुबह 8 बजे यहाँ पर पेरेंट्स का जमावड़ा देखने के लिए मिला, लेकिन पहले स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई दरवाजा नहीं खोला जा पाया। जिसके बाद अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचता है और किसी तरीके से स्कूल मैनेजमेंट से वार्तालाप करके पेरेंट्स को अंदर बिठाया जाता है कि उनसे वार्तालाप हो। आप देखेंगे तस्वीरों में तो सैकड़ों पेरेंट्स यहां पर बैठे हैं, जो अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं कि आखिर स्कूल में बच्चियां किस तरीके से सुरक्षित हैं। लंबे समय से इंतजार के बावजूद भी यहां पर प्रिंसिपल नहीं पहुंची है, जिसके बाद यहां पर जो है अभिभावकों का गुस्सा देखने के लिए मिला। कैम्ब्रिज स्कूल हाई हाई के नारेबाजी यहां पर की गई। लेकिन अगर हम बात करें जो ये पेरेंट्स सुबह से अपने घरों से आए हैं अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर, उसके बावजूद प्रिंसिपल का यहां पर ना पहुंचना, तो परिजन ये मांग कर रहे हैं कि जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो पूरी अपने आप में कल्प्रेट है। लेकिन अब देखना होगा, यहां पर ये लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रिंसिपल पहुंचे या फिर स्कूल को सील की कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौके पर मौजूद है, आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन स्कूल का इस तरीके का रवैया कई तरीके के सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें उस प्रिंसिपल की, तो उसके घर में भी महज छोटे बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें ये पूरी भागीदारी अपनी निभाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, बावजूद उनके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ पर लोग जो हैं इन माता पिता हैं, बच्चों के कुछ बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि उस बच्चे के साथ जो दरिंदगी जो हैवानियाँ हुई अपने आप में स्कूल पर बहुत सवालिया निशान खड़े कर रही है। यहाँ पर माता पिता का कहना है कि स्कूल में प्रॉपर CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग हो, क्योंकि अगर हम बात करें विद्या का मंदिर है, यहाँ पर हम अपने बच्चों को व्यवस्था के साथ साथ विद्या के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स के लिए अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है बात करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये पेरेंट्स से मांग कर रहे हैं अगर प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं पहुंचती है तो उसकी गिरफ्तारी हो। तो देखना होगा कि प्रिंसिपल यहाँ पर पहुंचती है या फिर स्कूल को सील की कार्रवाई की जाती है, प्रशासन इसमें क्या कुछ एक्शन लेता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रिया राणा नोएडा। उनकी कुछ डिमांड थी आज, एक्चुअली मैं पेरेंट टीचर मीटिंग थी और वो लोग स्कूल पहुंचे थे, स्कूल में कोई था नहीं रिस्पॉन्सिबल आया, तो वो यहाँ पे लोग आए थे। हमने अभी अपनी टीम सिटी मजिस्ट्रेट और DIO साहब के अंदर कुछ और अधिकारी लगाए, तो सब लोग स्कूल पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई मामले उन्होंने एक ज्ञापन हमें दिया है, उनके सारे व्यक्तियों की जाँच कर रहे थे और जिसमें स्कूल प्रबंधन की गलती होगी उसमें हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। तो नोएडा के स्कूल में जो ये महापाप हुआ है, उसके बाद अभिभावकों में आक्रोश है। पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में कर ली है। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया गया। आरोपी शिक्षिका और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों पर
वारदात छिपाने का आरोप है। बता दें कि मुख्य आरोपी स्कूल में हाउसकीपिंग कर्मचारी था, यानी फोर्थ क्लास इंप्लॉय था। स्कूल में 3.5 से 4 साल की बच्ची के साथ जो ये डिजिटल रेप हुआ, उसके बाद अभिभावक डरे हुए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया है। अभिभावकों की मांग है कि स्कूल को सील किया जाए, क्योंकि प्रिंसिपल ने अभी भी पेरेंट्स से कोई भी बातचीत करने का प्रयास नहीं किया है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अभिभावकों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने तस्वीर भी आपको दिखाई कि बड़ी संख्या में वहां पर पेरेंट्स मौजूद हैं, उस बच्ची के पेरेंट्स मौजूद हैं, साथ में उस बच्ची के साथ पढ़ने वाले तमाम बच्चों के पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ कई बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि ये बड़ा नामी गिरामी स्कूल है और मोटी मोटी फीस वसूलने वाले, सुरक्षा के नाम पर मोटी मोटी फीस वसूलने वाले ये स्कूल इतनी बड़ी वारदात को छुपा कैसे सकते हैं। और यहां पर जिस टीचर की गिरफ्तारी हुई, उसके पीछे का कारण यही था कि उस टीचर ने, क्लास टीचर ने इस पूरी वारदात को छुपाने के लिए बच्ची को प्रताड़ित किया। उस बच्ची को, उस मासूम बच्ची को, जो कि उसकी उम्र महज 3.5 से 4 साल बताई जा रही है, उसको प्रताड़ित किया। लगातार हमारी सहयोगी प्रिया राणा वहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रिया, अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे जहां पर आपने बताया कि अभिभावकों का कहना है कि अब स्कूल को सील किया जाए, अभी की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नोएडा कैंपस स्कूल पे ही मौजूद हैं, और पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी मीटिंग का दौर चल रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभिभावक हैं जो 8 बजे से ही बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल का रवैया एकदम निकम्मा मन दिखाता है कि जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ नहीं पहुंचती है। उसके बाद देखिए डीएम के द्वारा एक टीम गठित की जाती है जो यहाँ पर पहुंचती है स्कूल में, जहाँ पर अब जो ये पेरेंट्स हैं इनसे वार्तालाप कर रही है, जहाँ पर प्रशासन का कहना है कि अगर स्कूल में अगर बच्चे आ गए हैं, वार्तालाप हुई है उनमें, देखिए पेरेंट्स का यही कहना है कि हम किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर अपने स्कूलों में भेजे, आखिर क्या इस बात की शॉर्टी है कि हमारे बच्चे स्कूलों में सुरक्षित है। जिसके बाद देखिये पूरे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने कैमरे स्कूल आया है कि नारेबाजी भी की, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो सोल्यूशन ये निकल कर आ रहा है कि सोमवार को जब स्कूल खुलेगा तो 3 से 4 दिन स्कूल बंद रहेगा जब तक पूरे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पर जो माता पिता बैठे हुए हैं अभी भी ये कह रहे हैं कि स्कूल को सील किया जाए। बिल्कुल प्रिया, आप मौके पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे आपसे